निर्वाणा 751 ANC। तो इन हेडफोन्स को मैं पिछले कुछ महीने से यूज़ कर रहा हूँ और आज के इस वीडियो में गाइस मैं इन्हीं हेडफोन्स का लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के साथ में। तो बॉक्स के अंदर हमें सबसे ऊपर हेडफोन मिल जाता है, देन कुछ स्टिकर्स, यूज़र मैनुअल, ऑक्स केबल भी मिल जाते हैं और चार्जिंग केबल USB टाइप सी की मिल जाती है। एंड देन सबसे नीचे हमें इसका कैरिंग केस मिल जाता है जिसमें हम अपने हेडफोन को फोल्ड करके सिंपली कैरी कर सकते हैं कहाँ पर भी। तो यहाँ पर थम्स अप हो जाता है मेरी तरफ से बोट को, क्योंकि कैरिंग केस भी बहुत अच्छी बात है बॉक्स के अंदर देना। अब हम बात करते हैं हेडफोन्स के डिज़ाइन एंड कंफर्ट के बारे में। तो ये हेडफोन आपको प्लास्टिक का बना मिलता है, पर इसके एडजस्टमेंट वगैरह है ना गाइस, वो आपको मेटेलिक के मिल जाते हैं जो कि एकदम अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पर आपको सॉफ्ट सा कुशन मिल जाता है जो आपके ईयर के अराउंड एकदम अच्छे से बैठ जाता है। यहाँ पर आपको पहनने के बाद कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। यहाँ पर मैं इसे एक बार पहन लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। देन अगर बात करें इसके हेडरेस्ट की, तो यहाँ पर आपको हेडरेस्ट भी एकदम स्मूथ सा मिल जाता है। यहाँ पर आपको राइट एंड लेफ्ट साइड में दोनों तरफ बटन्स एंड पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। राइट साइड में आपको 3 बटन मिल जाते हैं प्ले पॉज के लिए, कनेक्शन के लिए। एंड यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है जहाँ से आप ऑक्स केबल कनेक्ट कर सकते हो। एंड लेफ्ट साइड में आपको ANC का बटन मिल जाता है जहाँ से आप ANC मोड्स को स्विच कर सकते हो। यहाँ पर आपको बटन्स वगैरह टैक्टाइल मिलते हैं, डिज़ाइन एकदम प्रीमियम मिलता है और ये हेडफोन आपको किसी भी एंगल से चीप नहीं लगता, आपको एकदम प्रीमियम फील देता है। तो यहाँ पर बिल्ड एंड डिज़ाइन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब हम बात करते हैं इन हेडफोन्स के बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में। तो कंपनी क्लेम करते हैं ये हेडफोन लगभग 65 आवर का बैटरी बैकअप देते हैं विदाउट ANC, एंड विद ANC लगभग 54 आवर्स का बैटरी बैकअप देते हैं। पर प्रैक्टिकल यूसेज में हेडफोन लगभग 60 आवर का बैटरी बैकअप देते हैं विदाउट ANC, एंड विद ANC लगभग 45 से 50 आवर्स का बैटरी बैकअप ही देते हैं, जो कि एकदम बढ़िया है। एंड बात करें चार्जिंग की, तो ये हेडफोन फुल्ली चार्ज होने में लगभग 1.5 घंटा लेते हैं और USB टाइप सी के थ्रू चार्ज होते हैं। एंड देन कंपनी क्लेम करती है 10 मिनट चार्ज करने के बाद ये हेडफोन लगभग 10 घंटे तक चल जाते हैं। 10 घंटे तो नहीं चलते, पर हालांकि 8 घंटे तक इजीली 10 मिनट के चार्ज के बाद चल जाते हैं, जो कि एकदम अच्छी बात है। तो यहाँ पर चार्जिंग एंड बैटरी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको इन हेडफोन के साथ में। अब बात करते हैं हेडफोन्स के फीचर्स एंड फंक्शंस के बारे में। तो लेफ्ट साइड में आपको ANC का बटन मिल जाएगा जिसमें आपको 3 मोड मिल जाएंगे, नॉर्मल मोड, ANC मोड एंड ट्रांसपेरेंसी मोड। मोड स्विच करने के बाद आपको वॉइस मैसेज मिल जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन से मोड में एंटर किया है। फिर अगर बात करें राइट साइड की, तो यहाँ पर आपको 3 बटन मिल जाएंगे। उसमें सबसे पहले बटन की मदद से आप वॉइस असिस्टेंट को ट्रिगर कर सकते हो, एंड 2 बटन के साथ में आपको वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन कर सकते हो, एंड आपके ट्रैक को भी नेक्स्ट एंड स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार बटन्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर मुझे एक दिक्कत लगी, यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिलता आपके स्मार्टफोन में जिससे आप इन्हें कस्टमाइज वगैरह कर सकते। यहाँ पर अगर ये वॉइस असिस्टेंट का बटन कस्टमाइज होता ना तो एकदम अच्छी बात होती, पर यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक फीचर मिसिंग लगा मुझे इन हेडफोन्स के साथ में। तो अब हम बात करते हैं इस हेडफोन के साउंड एंड ANC की। तो यहाँ पर हमें ANC मिल जाता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जो एकदम अच्छी तरीके से काम करता है। जैसे आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन टर्न ऑन करोगे ना गाइस, तो आपको फील होगा कि आपको बैकग्राउंड का वॉइस वगैरह सुनाई नहीं देगा। वैसे भी हेडफोन आपके ईयर को फुल्ली कवर करते हैं, तो आप विदाउट ANC भी इन्हें यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड नॉइस वगैरह सुनाई नहीं देगा। देन यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है जो कि एकदम अच्छी तरीके से काम करता है। देन बात करें इसके माइक क्वालिटी की, तो इंडोर में तो माइक क्वालिटी एकदम अच्छी होती है, पर जब भी मैं आउटडोर में जाके किसी को कॉल करता हूँ ना, तो सामने वाला बंदा हमेशा कंप्लेन करता है कि भाई तेरी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही। तो आउटडोर में माइक में थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर। देन अगर बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको मिड्स एंड हाइस एकदम ऑन द पॉइंट मिल जाते हैं, बेस आपको एकदम बढ़िया मिल जाता है। और यहाँ पर जब भी मैं कोई वीडियो देखता हूँ ना गाइस, तो मुझे डायलॉग ठीक से सुनाई नहीं देते, तो यहाँ पर डायलॉग्स की आवाज़ थोड़ी दब जाती है बेस की ज़्यादा होने की वजह से। तो यहाँ पर बेस अच्छा है, अगर आपको बेस वाला हेडफोन चाहिए तो आप डेफिनेटली इन्हें कंसिडर कर सकते हो। अगर आप इन हेडफोन्स को म्यूजिक स्टूडियो वगैरह के लिए सोच रहे हो ना गाइस, तो ये आपके लिए नहीं बने। यहाँ पर आपको एकदम क्रिस्प एंड क्लियर साउंड बैलेंस वगैरह देखने को नहीं मिलता, पर प्राइस को जस्टिफाई करते हुए एकदम बढ़िया सा साउंड तो आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। तो इस प्राइस रेंज में हम इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साउंड क्वालिटी एकदम बढ़िया है एज कम्पेयर टू प्राइस। तो क्या ये हेडफोन आपको खरीदना चाहिए? तो बिल्कुल गाइस, अगर आप रेगुलर मीटिंग वगैरह अटेंड करते हो ना, तो ये हेडफोन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसका माइक इंडोर्स में एकदम अच्छे तरीके से काम करता है, बैटरी बहुत अच्छी है, और आप चाहो तो इसे ऑक्स केबल के साथ भी कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो विदाउट बैटरी। एंड आप इसे गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ में आपको ऑक्स केबल मिल जाता है जिसमें आपको 0 लेटेंसी मिल जाएगी। इसका कंफर्ट अच्छा है, पर हाँ, गर्मियों के दिनों में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको स्वेट वगैरह आ सकता है, पर ठंडी के दिनों में आप इसे आराम से बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका वेट भी थोड़ा कम है। देन अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पर आपको ये हेडफोन 3,500 रुपीज़ में अभी मिल जाएगा अमेजोन पे, पर फेस्टिवल्स में इसकी प्राइस और भी कम हो सकती है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इससे बढ़िया दूसरा कोई भी हेडफोन देखने को नहीं मिलने वाला ANC के साथ में, तो आप डेफिनेटली इन्हें कंसिडर कर सकते हो अंडर अ बजट ऑफ 3,500 रुपीज़, और इसकी प्राइस मेरे हिसाब से कम होगी अमेजोन फेस्टिवल्स में। मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज, होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो,
शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं मिलता हूं आप सभी को एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड पीस।